तो दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत ही जल्दी बिना इनकम प्रूफ बिना सैलरी स्लिप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 new loan apps, यानी 3 नए लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं आपको ऐसी भी एप्लीकेशन बताऊँगा जो कि आपको कम सिविल स्कोर, कम क्रेडिट स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड करा सकती है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो अगर आप सैलरीड हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको ऐसी भी एप्लीकेशन बताऊँगा जहाँ पर आपको 10 मिनट में लोन का अप्रूवल प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, और वैसे तो ये ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो 10 मिनट में ही लोन प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली आपको एक एप्लीकेशन ऐसी बताऊँगा जो कि आपको 10 मिनट में बहुत ही फास्ट लोन आपका अप्रूव कर सकती है, वो भी बिना इनकम प्रूफ, बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ है या आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, ये मतलब एप्लीकेशन जो है वो आपको बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड करा सकती हैं, बहुत ही फास्ट वर्क करती हैं। और ये जो मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, तीनों एप्लीकेशन जो हैं वो सैलरीड के लिए तो वर्क करती हैं, और इसमें से 2 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वर्क करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, कभी भी अननेसेसरी लोन मत लीजिएगा। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान कीजिएगा। और एक बात और, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंक्वायरीज़ में बहुत सारी NBFC या बैंक्स के नाम वगैरह अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी लोन मत लीजिएगा, अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का यूज़ कीजिएगा। चलिए, आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 500 रुपये का लोन ऑफर किया जा रहा है 62 दिनों के लिए, और टोटल रीपेमेंट करना होगा मुझे 649 रुपये का। ठीक है, यानी 62 दिनों में 649 का रीपेमेंट करना होगा मुझे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सितंबर को और 8 अक्टूबर को, ये 2 EMI में पेमेंट करना होगा। ठीक है, रीपेमेंट शेड्यूल और बाकी इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ वहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यानी 250 रुपये पर 15 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, फीस लगेगी 126 रुपये, और बाकी जो सेकेंड EMI होगी उस पर 250 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा 8 रुपये और फीस 0। ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो 12 डेट का मुझे यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, हालाँकि मुझे नहीं करना है, तो मैं बैक आ जाता हूँ एक बार। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन जो है वो प्रोग्रेस में चला गया है। अब वो प्रोग्रेस में क्यों चला गया है, यहाँ पर मुझे कंप्लीट करनी होगी आधार से OKYC, लेकिन मुझे कंप्लीट नहीं करनी, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन का, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, पहले प्ले स्टोर में लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर में। ठीक है, तो दोस्तों प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है, सर्च बार में युवा पर्सनल लोन ऐप। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, एक एप्लीकेशन मिलेगी युवा पर्सनल लोन ऐप के नाम से। आपको इस ऐप को जो है इंस्टॉल करना है और यहाँ से आपको जो है लोन अप्लाई करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपको लोन लेना है तो ये नई एप्लीकेशन है। अभी इसके डाउनलोड्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितने, केवल 10,000 इसके डाउनलोड्स हुए हैं, 4.3 स्टार और 2K रिव्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके रेटिंग रिव्यूज़ भी मुझे ठीक ठाक लगे हैं। और एप्लीकेशन जो है कोई ऐसा नहीं है, कोई नई एप्लीकेशन है, मतलब नई कोई NBFC कंपनी है, युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये पुरानी NBFC कंपनी है, और पहले इनकी एक और एप्लीकेशन थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अवार्ड आपके सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन अमाउंट आपको 20,000 रुपये तक का प्राप्त हो सकता है। रीपेमेंट पीरियड 61 दिनों से लेकर 365 दिनों तक का आपको यहाँ पर मिल सकता है। बाकी इंटरेस्ट रेट 36% पर एनम तक आपसे यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। फीस जो है स्टार्ट हो जाती है 99 रुपये से, मैक्सिमम जो इनका एनुअल परसेंटेज रेट है वो है 97%, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसमें इंक्लूड होगा इंटरेस्ट रेट एंड फीस। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वेरिफिकेशन आपको कराना होगा डिजी लॉकर के द्वारा। मंथली आपकी जो इनकम है 25,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको यहाँ से लोन प्राप्त हुआ है, उन्होंने यहाँ पर जो इनकम थी अपनी 32,000 रुपये फिलअप की थी, वो दिल्ली NCR में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और उनकी 32,000 रुपये सैलरी थी, उन्होंने 32,000 यहाँ पर फिलअप किया था और उनको यहाँ पर आसानी से जो है वो लोन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपके पास वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, और यहाँ पर बिना इनकम प्रूफ आपको आसानी से लोन जो है वो प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट वर्क करती है। बाकी एप्लीकेशन के अंदर आपको इनके कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और RBI रजिस्टर्ड NBFC है, कोई मतलब ऐसा नहीं कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो कि RBI के व्याप पर वर्क नहीं करती है, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर भी दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर मैं RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर पहले मैं इस NBFC का नाम आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल लिस्ट में, उसके बाद जो है मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाकर दिखाऊंगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, लिस्ट जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड है ऑलरेडी। ठीक है, अगेन डाउनलोड नहीं करनी है, इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो एक बार जस्ट वन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ओपन हो रही है, कुछ समय लग रहा है। देखिए सभी नाम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं ऊपर सर्च में सर्च कर लेता हूँ युवराज, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, अभी पता चल जाएगा। देखिए युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक है युवराज एग्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी बात नहीं हो रही है, नीचे जो युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है ये NBFC कंपनी है, हैदराबाद NBFC ND। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो NBFC कंपनी है जिसकी बात हो रही है, ये हैदराबाद NBFC ICC और यहाँ पर बेस इसके आगे जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है yuvrajfinance.in और यहाँ पर मैं ऊपर जो थ्री लाइन्स आ रही हैं इस पर क्लिक करता हूँ, पार्टनर्स पर क्लिक करता हूँ तो पता चल जाएगा अगर इनकी ये एप्लीकेशन होगी तो। ठीक है, तो पार्टनर्स में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, युवा पर्सनल लोन ऐप। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है जेन्युइन एप्लीकेशन है, NBFC रजिस्टर्ड है और फिलहाल अभी वर्क कर रही है, लोन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, बिल्कुल नई एप्लीकेशन है। चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है यहाँ पर मुझसे परमिशन जो है मांगी जा रही है, तो मैं यहाँ पर एग्री कर देता हूँ, ओनली दिस टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोन मुझे 2 लाख रुपये तक का प्राप्त हो सकता है, अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। 3 स्टेप जो है मुझे कंप्लीट करने होंगे, पहले पर्सनल डिटेल देनी होंगी, दूसरी KYC वेरिफिकेशन कराना होगा, तीसरा रेफरेंस कॉन्टैक्ट जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर अगर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मतलब तीनों डिटेल्स फिलअप करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए 3 स्टेप हैं, कंप्लीट करना होगा प्रोफाइल, अप्लाई करना होगा लोन, सेटअप करना होगा ऑटो डेबिट, उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, सपोर्ट की तरफ अगर बात करते हैं तो इनका कस्टमर का नंबर वगैरह यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इस एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ, तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे प्ले स्टोर में। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है टैपलैंड इंस्टेंट लोन ऐप, बाबा लीजन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की एप्लीकेशन है, ये भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन। और ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही फास्ट वर्क करती है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको यहाँ पर कम लोन अमाउंट ऑफर किया जाए, हो सकता है 10,000-20,000, तो लेकिन अगर आप टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो इंक्रीज होता चला जाएगा लोन अमाउंट। ठीक है, तो 1,000 से यहाँ पर लोन स्टार्ट होता है, 10 मिनट में प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन, 2 लाख रुपये तक का आपको लोन प्राप्त हो सकता है बिना कोलेटरल। ठीक है, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अगर आपको अप्रूवल मिलता है और आप अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो एक ज़रूरी बात, 0 से लेकर 36% पर एनम इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है, टेन्योर की बात करूँ तो 64 दिनों से लेकर मैक्सिमम 120 दिनों तक का आपको प्राप्त हो सकता है, और 0 से लेकर 125% जो है इनका APR है, लो प्रोसेसिंग फी है, इजी रिपेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फास्ट लोन डिसबर्समेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो इनका टेन्योर है वो 120 दिनों तक का मतलब मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि 2 लाख रुपए के लोन में अगर 120 दिनों का टेन्योर मिलता है तो क्या 50,000 से अधिक की जो मंथ की EMI बनेगी क्या कोई पे कर पाएगा, लगता नहीं है, मतलब ऐसे लॉजिकल नहीं लग रहा है। हालांकि हो सकता है यहाँ पर उन्होंने ठीक से ना लिखा हो, लेकिन अगर बड़ा लोन यहाँ पर ऑफर दिया जाता है तो हो सकता है यहाँ पर लंबा टेन्योर ऑफर दिया जाए, ऑफर किया जाए। ठीक है, तो 0 से लेकर 125% जो है इनका APR रेंज है, बाकी लो प्रोसेसिंग फी है, और एप्लीकेशन की अगर मैं सच बात बताऊं तो बहुत ही फास्ट वर्क करती है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको यहाँ से आसानी से लोन प्राप्त हुआ है केवल पैन कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस से। ठीक है, और आपको भी अगर लोन वगैरह प्राप्त हुआ है, आप मुझे प्रूफ वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो settlementtb@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं प्रूफ वगैरह। ठीक है, तो भारतीय नागरिक आपका होना जरूरी है, ओवर द एज ऑफ 22 मतलब 22 साल से अधिक आपकी एज होना जरूरी है, और स्टडी मंथली इनकम मतलब आप कोई इनकम जनरेट करते हो पर मंथ, यहाँ पर चाहिए होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी, और बाकी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको वीडियो में एप्लीकेशन जब ओपन करके दिखाई थी तो वहाँ पर भी एक सेक्शन में इनका नंबर वगैरह दिया हुआ था। ठीक है, तो टैपलैंड की बात करूँ तो बहुत ही फास्ट वर्क करती है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है क्रेडली पर्सनल लोन ऐप, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत सारी जगह पर वर्क कर रही है, और अभी इसके डाउनलोड्स बहुत ही कम हुए हैं, केवल 100 के से प्लस इसके डाउनलोड्स हुए हैं। ठीक है, तो
एक बार मैं यहाँ पर आपको अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में लेकर चलता हूँ। तो देखिए, ये सैलरीड पर्सन के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब आपकी अगर सैलरी 25,000 रुपये से अधिक है, मिनिमम मंथली सैलरी, तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो APR है इनका 18 से लेकर 32% पर एनम है। रिपेमेंट पीरियड की बात करूँ तो 6 महीने से लेकर 6.5 महीने तक का आपको प्राप्त हो सकता है। 2 से लेकर 4% तक जो है इनकी प्रोसेसिंग फी है लोन अमाउंट की। और लैंडिंग पार्टनर्स की बात करूँ तो 1X फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और यहाँ पर कोई भी पेडे लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। कम से कम 90 दिन की जो रिपेमेंट पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी में आपका सैलरीड एम्प्लॉय होना जरूरी है। 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए। एज जो है आपकी 23 साल से अधिक होनी चाहिए और 55 साल से कम। अगर 23 से 55 के आप एज रेंज में आते हैं तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर और 30 से ज़्यादा सिटीज़ में एप्लीकेशन वर्क करती है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो लोन अप्रूवल क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पर चेक किया जाता है, जिसमें इनकम टू एक्सपेंस रेशियो आपका देखा जाएगा, डेमोग्राफिक्स में आपकी एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन वगैरह, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपका टेन्योर विद द एम्प्लॉयर, जॉब स्टेबिलिटी, टोटल वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, बाकी सिविल स्कोर अगर आपका कम है, 650 से अधिक होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, तो भी आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। पर्पज़ आपका लोन का क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोन रिजेक्ट हो सकता है इन सारे कारणों से, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है अपना सिविल स्कोर तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने लोन डिफॉल्ट कर रखे हैं तब भी आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं support@credaily.in पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने और भी एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, नाभी, ब्रांच, पॉकेटली, इसके अलावा ओलिप। तो अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी भी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको कुछ ही मिनटों में जो है वो 15,000 रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से। इसी प्रकार से ब्रांच से भी आपको कुछ ही मिनटों में सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ब्रांच से थोड़ा बहुत अगर आपका कम सिविल स्कोर है तो भी आपको आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है, 700 के आसपास है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन से तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।